नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जबलपुर के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल में कुल सचिव हैं, उनके खिलाफ आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और विद्यार्थी संगठन उन्हें वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत संगठन उन्हें हटाने की मांग कर रहा है। संगठन के प्रतिनिधि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल पहुंचे थे। वाइस चांसलर के बाहर न आने पर गेट में धक्का मुक्की करते हुए संगठन के छात्र आक्रोशित हो गए और जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। इन छात्रों ने आयुर्विज्ञान मेडिकल कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और कुल सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। विद्यार्थी संगठनों का कहना है कि कुल सचिव को पहले ही हटा दिया गया है, उसके बाद भी वो अपने पद पर जमे हुए हैं। उन्हें कुलपति द्वारा यहां से कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। कुल सचिव को विद्यार्थी संगठन ने तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की है और उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तत्वाधान हम लोगों ने श्री सुनील खरे जी, जो यहाँ पे उपकुल सचिव पद पर है, उनके विरुद्ध में हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि 7 साल से इसी पद पे बने हुए हैं, जबकि इनके विरुद्ध कार्यमुक्त का आदेश भी आ चुका है शासन की तरफ से कि आप यहाँ से कार्यमुक्त हो जाएं, पर कुलपति साहब उनको रखे हुए हैं। उनको पता नहीं कौन सी सांठगांठ है उनके साथ चल रही है जो उनको यहाँ से मुक्त नहीं कर रहे, इसलिए हमारा उनको ज्ञापन दिया गया है कि आप इनको तत्काल मुक्त इधर से कार्य मुक्त करें इनसे। तो कुलपति साहब ने हमको सोमवार तक का आश्वासन दिया है कि सोमवार को हम उनको कार्य मुक्त कर देंगे। अगर ये कार्य मुक्त नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर पुतला दहन करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे इधर पर। क्या लगता है, आए दिन आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चर्चाओं में रहता है क्या? ये सब घोटालेबाजी है, इनकी पूरी सेटिंग है, सेटिंग से ही पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है जो ये बनाया गया है लोगों की सेवा या बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर ये पूरी घोटालेबाजी कर करके पूरा इनका भ्रष्ट कर दिया है पूरा इस संस्थान को। और तरीके से ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ राजनीति है और पैसे का लेन देन है, ये बस यही चल रहा है। आज किस तरह बुरी दुर्दशा में चल रहा है, दुर्दशा है हर तरफ देखिए, पूरे में कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है सब पैसा, सब इनकी जेब में जा रहा है। कुलपति जी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आदेश आ चुका है राज्य शासन की तरफ से तो क्यों नहीं कर रहे, इनकी क्या है, इनकी सांठगांठ क्या है उनके साथ, जब आदेश सात साल से क्यों टिके हुए, जब उच्च शिक्षा विभाग के हैं वो तो इधर क्या कर रहे हैं, वो उनको वहाँ भेजें जहाँ वापस भेजें, जब आदेश आ चुका है तो फिर क्यों इनको इधर पर रखा गया है। नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है।